आज ही के दिन 1674 में मराठा राज्य के प्रथम शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी ने बिखरे हुए मराठाओं को इकट्ठा करके उनकी शक्ति को एकजुट कर एक महान मराठा राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने केवल मराठाओं को ही नहीं बल्कि सभी भारतवासियों को भी नई दिशा दिखाई। आज ही के दिन 1929 में हिंदी फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त का जन्म हुआ था। अपने 6 दशकों के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म सुजाता, मदर इंडिया और पड़ोसन से उन्होंने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। आज ही के दिन 1966 में अमेरिका के मिसिसिपी विश्वविद्यालय में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले अश्वेत मानवाधिकार कार्यकर्ता जेम्स मेरेडिथ पर एक व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी। अश्वेत लोगों के दमन के खिलाफ मेरेडिथ अकेले ही पदयात्रा पर निकले थे जब उन पर ये हमला हुआ था। आज ही के दिन 1981 में बिहार की बागमती नदी में एक ट्रेन गिर गई, जिससे उसमें सवार 1000 लोगों में से करीब 800 की मौत हो गई। इस दुर्घटना को भारत के सबसे बड़े रेल हादसों में गिना जाता है। ये पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा जा रही थी जब इसके 9 में से 7 डिब्बे नदी में जा गिरे। आज ही के दिन 1986 में कन्नड़ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक मास्ती वेंकटेश अयंगार का निधन हुआ था। मास्ती को आधुनिक कन्नड़ कहानी का जनक कहा जाता है। उनके करीब 15 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।